हेलो सर। चलो तो गाइस ये है हमारा रियल घर, हम आखिर में रिटर्न हो गए। तो गाइस सबसे लुक बहुत बुरी है। तो गाइस सबसे पहले आता है हमारा एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर का, यह है दरवाज़ा। और इधर से वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले मैं इधर जाता हूँ और इधर की लाइट ऑन कर देता हूँ। तो वैसे इधर जैसा कि आप देख सकते हो, अरे लाइट ऑन कर, इधर है हमारा किचन जहाँ पर अभी खाना पक रहा है, हमेशा जैसे पकता है। अब मैं इस लाइट को ऑफ कर देता हूँ। और गाइस इधर हमारा प्यारा सा टॉयलेट, चप्पल भी बिखरे हुए हैं तो मैं फिर से लाइट ऑफ कर देता हूँ। गाइस इधर है, एक मिनट ओके। तो गाइस इधर है हमारा एक नल, ओके। तो ये गाइस पहले यूज़ होता था जब हमारे पास मोटर नहीं था, पहले ये बहुत यूज़ होता था, पर अभी इसका यूज़ हमने छोड़ दिया है, नल का यूज़, ओके। तो गाइस इधर है हमारा प्यारा सा डाइनिंग टेबल, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मेरा टैब जो है, मेरा खुद का टैब चार्ज हो रहा है। ये मेरे कज़न का फ़ोटो है, यहाँ पर पहले मेरा फ़ोटो लगा हुआ था, पर एक्चुअली मैं ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे अपना फेस नहीं दिखाना, इसलिए मैंने अपने कज़न का फ़ोटो लगा दिया। और गाइस इधर कुछ फ्रूट्स वगैरह है, बनाना कुछ और कुछ नहीं है एक्चुअली में। और गाइस जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये एक अंधेरा वाला स्पॉट है, नीचे जस्ट एक डिब्बा है, उधर कूड़ा पड़ा होता है, और इधर स्नैक्स का एरिया है। और गाइस ऊपर को एक छोटा सा स्टोरेज है जहाँ पर बेखार जुगड़ पानी रहता है। और गाइस एक मिनट, अच्छा ओके। गाइस मैं अभी अपने स्टोरेज में आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि स्टोरेज की लाइट ख़राब हो चुकी है। तो गाइस इधर थोड़ा सिट मतलब बैठने की जगह है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर है खराब कंप्यूटर का चीज़, मुझे पता नहीं से क्या कहते हैं, और यह नया वाला इसे अभी इधर क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और गाइस इधर है हमारा प्यारा फिल्टर। और गाइस इधर है हमारा प्यारा फ्रिज जिसमें अभी ओके तो मैं अभी इधर करता हूँ। गाइस इधर है हमारा लिविंग रूम, मास्टर रूम नीचे है, वहाँ पर अभी कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी है और मेरे डैड का लैपटॉप है। इधर हमारा पुराना वाला टीवी, हम एलईडी टीवी लेने वाले थे पर कोरोना वायरस की वजह से अभी नहीं ले रहे। और उधर लाइट है, और ऊपर है फैन, इधर है अलमारी जहाँ पर मेरी दो ट्रॉफी है और बहुत सारी और चीज़ें हैं, और इधर मेरे पुराने बुक्स है, और इधर मेरे आर्टिस्ट बनने की कुछ चीज़ें हैं, और इधर करे कुछ है ओके। तो इधर हमारा दरवाज़ा है जहाँ पर मैं थोड़ी पेंटिंग कर कर रखी है, और उधर वो टेबल है, और उधर है सोफ़ा कम बेड, जो कि अभी सोफ़ा है पर बाद में बेड भी हो जा सकता है। अब वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो समझ नहीं पाएंगे जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा। और मैं अभी ना इसे प्रैक्टिकली नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इस टेबल, क्योंकि इसे बेड बनाने के लिए इधर को खींचना पड़ता है, फिर ये टेबल जो है ना, तो मैं अगर हटाऊंगा तो गिर वर सकता है, फिर डांट मिलेगी मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। और गाइस ये छोटा सा बेड है, वो दरवाज़ा है, और इधर है पेन का स्टैंड, अब इधर ये ओके यहाँ का तो सब कुछ हो गया, हमारा घर ना ज़रा बड़ा नहीं है, उधर ऊपर जाने का रास्ता है ओके। और गाइस इधर आता है मेरा रूम जो अभी बिखरा पड़ा हुआ है, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा था, कल मेरा एग्ज़ाम है मैथ्स का इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था ओके। तो इधर जैसे कि आप देख सकते हैं फायर सेवन यानी मेरे अमेरिकन टैब का उधर पैकेट है विथ एलेक्सा लिखा हुआ है, इसका तो आप समझ पा रहे हैं कि मेरे टैब का है क्योंकि मेरा टैब अमेरिकन है। और इधर एबिड लिखा हुआ है क्योंकि एक्सट्रीम गेमर सीजन के बाद भी सेम टैब है, तो मतलब दोनों का टैब ताकि पहचान पाए कि कौन किसका टैब कौन सा वाला है, इसलिए मैंने नाम लिखा है। और गाइस इधर देख सकते हैं आप, इधर मेरे कुछ गेम के सीडीज़ है,
एक मेरे कुछ गेम्स के सीडीज है जिनको मैं खेलता था। और गाइस इधर है मेरा प्यारा कंप्यूटर। ओके इधर कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर नहीं है, मतलब इधर स्पीकर्स है वो भी ख़राब वाले, और इधर सीपीयू है वो भी टूटा हुआ, देख सकते हैं आप, काम नहीं करता। और इधर ये है जहाँ पर सब प्लग व्लग करते हैं हम। और इधर है हमारा क्या कहते हैं उसे, अरे मुझे लगता है मैं ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा एक्चुअल में ना, आ जाना बाहर, ये ठीक से काम ही नहीं लगता, मैंने इसे हटा देता। इधर इधर देख सकते कीबोर्ड है हमारा, अभी इधर है क्योंकि ताकि ये डर्टी ना हो जाए। ये मेरा कीबोर्ड है, कुछ खास वास नहीं है, खाने की जरूरत है। और गाइस मेरा मॉनिटर ना अभी रिपेयर होने के लिए है क्योंकि मैंने बॉल मारा था इधर से, मॉनिटर तो पूरा गया फिर बाउंस बैक कर सीधा सीपीयू को मार दिया और ऐसे ख़त्म हो गया उसका किस्सा मेरे कंप्यूटर का। और इधर फिलहाल के लिए बोटल्स रखे हुए, और ऑफ कोर्स मैं खड़े होकर तो कुछ नहीं खेलता, और इधर मैं नमाज पढ़ती हूँ। और इधर है मेरा चेयर जहाँ मैं उधर बैठ कर करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, इधर से ऐसे बैठ कर खेलता हूँ। मेरा माउस भी उसके साथ चला गया है, मैं से माउस सोच लेता हूँ, टिक 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 भैया भैया टिक टिक टिक। ओके तो ये माउस सोच लिया है बैठा हुआ, ऐसे में गेम खेलता था। हाँ तो इधर थे लगे हुए थे ऐसे ऑन, और ये था मेन वाला जो अभी ऑफ पर है, ये ऑन पर अगर ऊपर जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ऑफ में रखते अच्छा ख़राब स्पीकर से इसे रिपेयर करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो नया स्पीकर खरीद सकते, नए स्पीकर खरीद तो पर मैं नहीं खरीदा। और गाइस हेडफोन ढूंढते ढूंढते आधा घंटा लग, अरे मैं ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। और गाइस हेडफोन खरीद मतलब ढूंढते ढूंढते आधा घंटा लगता, इसलिए मैंने हेडफोन नहीं ढूंढा, आपको नहीं दिखा। इधर मैं ये गेम की सीरीज़ है, ये सब पीछे एक अलमारी है वहाँ पर होता है मेरा अलमारी पर, वहाँ पर ना एक शीशा भी लगा हुआ है इसलिए वहाँ पर गलती से भी मेरा फेस रिवील हो सकता है, और मैं अपना फेस रिवील अभी नहीं करूँगा, इसलिए मैं उस अलमारी से जो मेन चीज़ है ये गेम के सीरीज़ इसको निकाल कर यहाँ पर रखते हैं। और गाइस उसके बाद आता है मेरा बेड जो अभी बिखरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो दो पिलो, और इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अरे बंद ओके बंद हो गया। और ये इधर बुक और रिकॉर्ड, और ये बेकार सा फ़ोन पता नहीं किस, और इधर मेरा फेवरेट पेन भी है जिसे मैं थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहा था, और इधर मेरा पुराना वाला गन जिसको मैं बहुत साल पहले यूज़ करता था, 6-7 साल पहले, पता नहीं इधर क्यों है पर है। ये सबसे बड़ा बेड है तो मुझे ना चॉइस करना था कि बेड लोगे कि राउटर लोगे, तो ना बेड लिया सबसे बड़ा वाला, यही हमारे घर का सबसे बड़ा बेड है। मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए ठीक है ये। और गाइस उसके बाद हम अगर जाए तो इधर आता है, चलो चलो चलो, रहता है मेरे पुराने सामान जो मैं पहले यूज़ करता था अभी नहीं, और इधर आता है मेरे दवाइयों का स्टॉक जहाँ पर डेकोरेशन के लिए वो फूल भी है पर वो नकली है ऑफ़ कोर्स, और इधर वो दबाया वबाया रखे हुए हैं, और इधर विंडोज़ है और वो भी डेकोरेशन के लिए है नकली वाला, और वो लैंटर्न है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर कट रहे मैंने इन्वर्टर था हमारा पर उसमें ना हमने पानी डालना छोड़ दिया है, बहुत ही बोरिंग काम था, इसलिए वो इन्वर्टर तो पानी को छोड़ कर नहीं चल सकता ना इससे। और इधर ये रिमोट, और गाइस ये टीवी ना 12 साल पुराना है पर अभी भी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है जो जितना पहले एक्यूरेट था, जी हाँ अभी भी उतना ही एक्यूरेट है। उधर है प्लग, उधर टायर वायर्स वगैरह, और उधर मेरी सबसे पहली सीनरी वाली पेंटिंग, अभी मैं इससे बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ पर सबसे पहली वाली थी इसलिए मेमोरी के तौर पर मैंने इसे इधर लगा दी। ये अंजर पंजर ढीला हो गया इसका, और इधर मेरे ओल्ड बुक्स है जैसे कि मैंने कहा,
और ये अलमारियाँ जहाँ पर मेरे क्लॉथ्स रहते हैं, और गाइस विंडो और वो कैलेंडर, और इधर वो बेड जैसा कि मैंने कहा था, सब कुछ है इस घर में। और गाइस ये भी पहले उस वहाँ पर होता था, क्योंकि हम मैं और एक्सट्रिंगर्स इधर मेरे पीसी में खेलते थे एक साथ, वो माउस में कंट्रोल करता था, मैं ऐसे कंट्रोल, वैसे ऐसे भी होता है। इसलिए गाइस हमने इधर दो दो लगवाए थे पढ़ना, उसके बाद वो अपने पीसी पे पढ़ना, फिर मैंने सोचा कि उसको कोई और काम में लगाऊंगा, इसलिए मैंने उधर रख दिया जस्ट किसी और काम के लिए। और मेरे डैड का बैग मुझे पता नहीं इधर क्यों है, ये उनका छाता, और मेरा छाता है स्टोर रूम के अंदर। स्टोर रूम के अंदर मैं नहीं जाने वाला, कुछ जा रही हूँ, अंधेरा है, एक मिनट, मुझे अभी अभी लगा कि उधर कोई है। और हाँ मैं अपने एक चीज़ दिखा तो भूल ही गया, हमारा प्यारा क्लॉक, अच्छा ऊपर पर, ओके 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 भाई, और हमारा टीवी, सब कुछ ही दिखाना हो गया है ना, अब सिर्फ स्टोर रूम। और हाँ हमारे दो गार्डन्स है और दो छत है, उनको भी नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी रात है, इसलिए इधर दरवाज़ा। तो गाइस अब के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।